तो गाइस ओवरसीज रिलीज के बारे में बात करेंगे। कल की 2080 मूवी की इतने खतरनाक तरीके से ओवरसीज में रिलीज किया जा रहा है मेरे भाई, मैं आपको क्या बताऊं। जबरदस्त तरीके का लोकेशन, जबरदस्त तरीके का शो टाइम, थिएटर लिस्ट देखने को मिल रहा है। रतनगिरा सिनेमा की तरफ से सब कुछ अभी ऑफिशियल हो चुका है, थिएटर्स वगैरह का लिस्ट सामने आ चुका है, हर जगह पे अभी एडवांस बुकिंग जो है वो ओपन हो चुका है। और इतने खतरनाक तरीके का रिलीज हो रहा है भाई, मतलब मुझे नहीं पता कि 28 जून के बाद वो जो हॉलीवुड मूवी आ रही है वो फिल्म आने के बाद क्या कलेक्शन होगी क्या नहीं। लेकिन भाई डे वन कलेक्शन 26 प्रीमियर जो जून जून में जो प्रीमियर होने जा रही है या फिर 27 जून को जो फिल्म रिलीज हो रही है, ये दो दिन का कलेक्शन, मतलब 27 जून का ही हमें कलेक्शन देखने को मिलेगा एक बारी से, प्रीमियर शो और डे वन का। तो ये कलेक्शन जो है ना गाइस ओवरसीज का एकदम से छप्पर फाड़ होने वाली है, छप्पर फाड़ होने वाली है, जबरदस्त कलेक्शन होने वाली है। ओके, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन सिनेमा में पहली बार ऐसा हो रहा है, कोई भी एक इंडियन फिल्म यूएसए में इस तरह का रिलीज पहली बार हो रहा है जो कि लेट नाइट शो को वहां पे अलॉट किया गया है। लेट नाइट शो मतलब प्रीमियर शो जो है लेट नाइट होने वाली है, जो कि आमतौर पे डार्लिंग प्रभास की फिल्में जो है वो मतलब आंध्र प्रदेश में होता है ना लेट नाइट, मतलब फिल्म वगैरह को चलाया जाता है। हालांकि बहुत मुश्किल से वो मतलब अलाउ मिलता है, मतलब परमिशन मिलते हैं और रात के 12 बजे या फिर 1 बजे 2 बजे फिल्म को चलाया जाता है, लेकिन यूएसए में वो हो चुका है मेरे भाई। यूएसए में उसको अलाउ कर दिया गया है कि लेट नाइट शो होने वाले हैं, प्रीमियर शो होने वाले हैं 26 जून को। ओके, जैसे कि 2:30 AM को होगा, 4 AM को होगा। ओके, मतलब 2:30 AM को जितने भी सिनेमार्क डोलक्स के HD थिएटर्स है ना वहाँ पे होगा। सिनेमार्क डोलक्स के HD थिएटर जहाँ जितने भी सारे हैं वहाँ पे 2:30 AM को होने वाली है, और IMAX वेब के जितने भी थिएटर्स हैं वहाँ पे 4 AM को कल की 2080 मूवी का लेट नाइट प्रीमियर होने वाली है। ये इंडियन सिनेमा में पहली बार है, किसी इंडियन फिल्म को इस तरह का रेस्पॉन्स पहली बार मिल रही है मेरे भाई। रेगल मूवीज के कई सारे थिएटर्स के लिस्ट आ चुके हैं मेरे भाई, रेगल्स मूवीज जो कि वहां का एक चैन है। इतने सारे थिएटर्स भाई, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, इतने सारे थिएटर्स, अनगिनत थिएटर्स मेरे भाई, कितने लार्ज तरीके से, कितने ज्यादा स्क्रीन में फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, जरा सोचो। ओके, और ये सारी चीजों को देख करके आपके दिमाग में जरूर ये आएगा कि भाई ओवरसीज कलेक्शन कितना जबरदस्त होगा डे वन का। ओके, वेस्ट इंडीज और कैरिबियन आइसलैंड के भी लोकेशन लिस्ट आ चुका है, वहां पे भी फिल्म को एकदम से खतरनाक तरीके से रिलीज किया जा रहा है। इतने सारे लोकेशन के लिस्ट है, थिएटर्स के नहीं। ओके, थिएटर्स का लिस्ट बहुत ज्यादा जबरदस्त होगा, रिगल मूवीज की तरह होगा, ये लोकेशन का लिस्ट है। ओके, तो वेस्ट इंडीज में और ये जो आइसलैंड है यहाँ पे भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक रिलीज किया जा रहा है। ओके, कैरिबियन, हाँ क्या नाम है इसका, हाँ कैरिबियन आइसलैंड जो है यहाँ पे भी बहुत ही खतरनाक तरीके से रिलीज किया जा रहा है, यहाँ पे भी कलेक्शन जबरदस्त होगा। किसी इंडियन फिल्म को पहली बार यूएसए में 38 मार्कस लोकेशन मिल रहे हैं मेरे भाई। जैसे हमारे यहाँ पे PVR, ये जो सिनेपोलिस, ये जो मतलब जो नेशनल चैंस है ना, ठीक उसी तरह मार्कस लोकेशन जो है वहाँ का उतना फेमस है, वहाँ पे बहुत सारे थिएटर्स हैं, तो 38 मार्कस लोकेशन मिल रहे हैं जिसका लिस्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो इसका फिर कितने जबरदस्त खतरनाक थिएटर लिस्ट आएंगे जरा सोचो। रिगल मूवीज हो गया, यहाँ पे मार्कस 38 मार्कस लोकेशन हो गए, तो यहाँ पे फिर कितने सारे थिएटर्स होंगे, कितने सारे स्क्रीन होंगे। ओके, जबरदस्त है यार। रतनगिरा सिनेमा की तरफ से कल हमें ये भी अपडेट देखने को मिला है कि यूएसए की जितने भी नेशनल चैंस है हर जगह पे एडवांस बुकिंग जो है वो ओपन हो चुका है। जितने भी नेशनल चैंस है वहां पे हर जगह पे एडवांस बुकिंग ओपन हो चुका है। किसी इंडियन फिल्म का इतनी जल्दी $1 million प्रीसेल्स होना कल की 2080 मूवी का पहली बार है। ओके, जो कि RRR का शायद सबसे ज्यादा था, इससे पहले यही कुछ 7 लाख या फिर 8 लाख थे। ओके, जब मतलब कल की 2080 मूवी जिस टाइम पे $1 million को पार किया है। ओके, और अभी तो ओवरऑल 1.25 million हो चुका है। ओके भाई, जबरदस्त प्रीसेल चल रही है, बहुत ही खतरनाक। ओके, यूके की जो मैं आपको बता रहा था एक टाइम पे, जो कि व्यू और सिनेवर्ल्ड की जितने सारे थिएटर्स हैं वहां पे फिल्म को रिलीज किया जाएगा बोल करके, तो वहां पे जो थिएटर का लिस्ट है वो आ चुका है और उसके साथ साथ वहां पे एडवांस बुकिंग भी ओपन हो चुका है यूके में। गाइस, डे वन कलेक्शन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, और मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि ये लोग इंग्लिश में फिल्म को रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब पैन वर्ल्ड लेवल पे जो बताया जा रहा था वैसे क्यों रिलीज कर रहे हैं। शायद
सिर्फ और सिर्फ डे वन को इस तरह का मतलब रेस्पॉन्स मिला है, इतने सारे स्क्रीन्स मिले हैं, इतने सारे थिएटर्स मिले हैं, लोकेशन मिल रहे हैं, इसी वजह से ना क्या हो, या फिर इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे रखेंगे, उसकी जो नेक्स्ट पार्ट वगैरह जो आएगा उसको एनुअल लेवल पे रिलीज करेंगे, जो भी हो यार, बस कल की 2980 मूवी काम कर जाए और ज़बरदस्त कलेक्शन करे। हमें ये यूनिवर्स, जितना कुछ भी नाग अश्विन के दिमाग में है, जो कुछ भी वो सोच करके रखे हैं कल की यूनिवर्स में, वो सब कुछ हमें देखना है, और उसका टिकट जो है, इसका जो जो एंट्री पास जो है, वो कल की 2980 है, मतलब ये फर्स्ट पार्ट है। ये अगर काम कर गया, ये अगर सक्सेस हो गया, तो बाकी सारा सीन भी हमें देखने को मिलेगा। तो गाइस सपोर्ट करो इस फिल्म को, इस तरह का फिल्म इंडियन सिनेमा में पता नहीं यार कब बनेगा। ओके, मजा आएगा।